Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve model question paper 1. Question 1 is minus 10 into 2 plus 0 divided by minus 2 is equal to. तो इसे हमें अभी सॉल्व करने हैं. तो देखिए इनटू है प्लस एंड डिवीजन का साइन है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी मास में डिवीजन का यूज होता है. सो पहले इसे डिवाइड करेंगे, देन इसे इनटू करके प्लस कर लेंगे. सो हम लिख लेंगे, तो देखिए जीरो से पहले इसे डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास जीरो. तो ये हो गया माइनस 10 इंटू 2 प्लस 0. नाउ इंटू का काम करेंगे, सो माइनस 2 इंटू माइनस 10 इंटू 2 इज माइनस 20 प्लस 0. तो आंसर हमारा हो गया माइनस 20. सो ऑप्शन में देखिए ए इज द आंसर. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 2, सम ऑफ अ रैशनल नंबर माइनस 1 अपॉन 2 एंड इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. तो यहाँ हमें माइनस 1 अपॉन 2 में ऐड करना है इसी के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को. तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसमें जो गिवन फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा एंड 1 नीचे आएगा, देन दोनों को ऐड कर लेंगे. सो लिख लेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1. नाउ इन दोनों को ऐड करना है, सो माइनस 1 अपॉन 2 में हमें ऐड करना है इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, दैट इज माइनस 2 अपॉन 1. ऐड कर लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एंड 1 का एलसीएम 2 आ गया. नाउ 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, देन देखिए प्लस इंटू माइनस. ठीक है, तो माइनस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, और 2 को 2 माइनस 2 से इंटू करेंगे, माइनस तो हमने लिख लिया, 2 को 2 से इंटू करेंगे 4. नाउ माइनस और माइनस का जब भी साइन ऐसे आता है तो हम क्या करते हैं, माइनस कैरी एंड डिजिट को ऐड करते हैं. सो 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 2. अब 2 से 5 को डिवाइड कीजिए तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट माइनस का साइन, एंड ये हो जाएगा 2 होल 1 अपॉन 2. सो माइनस 2 होल 1 अपॉन 2 ये आंसर हो गया. नाउ ऑप्शन में देखिए सी हमारा आंसर है. नाउ क्वेश्चन 3, इवेलुएट माइनस 36 डिवाइडेड बाय माइनस 14 प्लस 2. ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर. तो यहाँ सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. सो लिख लेंगे माइनस 36 डिवाइडेड बाई, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस 14 प्लस 2 है, तो माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स 14 में से 2 को पहले माइनस करेंगे तो आ गया 12, एंड 14 ग्रेटर नंबर है जिसके साथ माइनस का साइन, सो माइनस कैरी करेंगे. क्लियर. नाउ ये हो जाएगा हमारा माइनस 36, डिवीजन का साइन है, सो अपॉन में माइनस 12 आ गया. अब देखिए ऊपर और नीचे माइनस का साइन एक दूसरे से कैंसिल हो गया, एंड 12 से 36 डिवाइड किया तो 3, दैट मीन्स 3 हमारा आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन 4 इज, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8.26 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 5.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. यहाँ रेक्टेंगल का हमें लेंथ गिवन है 8.26 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है, तो इस रेक्टेंगल का हमें एरिया फाइंड करने है. सो लिख लेंगे, गिवन लेंथ है 8.26 सेंटीमीटर एंड गिवन ब्रेथ इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर. नाउ एरिया निकालना है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 8.26, ये हमारा लेंथ है, इंटू कर देंगे 5.5 सेंटीमीटर को. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 45.430. अब डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, सो इसे हम लिख सकते हैं 45.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 5 इज, रिड्यूस द रैशनल नंबर 105 अपॉन माइनस 168 टू स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट मीन्स इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें सॉल्व करने हैं. तो सबसे पहले एलसीएम निकाल के कर लेते हैं, दो मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, दोनों में यहाँ बता रही हूँ. तो यहाँ पर 105 168 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, ये आपका अपॉन है, सो हम लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 105 एंड 168. तो इसका एलसीएम हो जाता है 21. नाउ इस 21 से दोनों को डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, सो हम लिख लेंगे देयरफॉर 105 डिवाइडेड बाय 21 अपॉन माइनस 168 डिवाइडेड बाय 21. नाउ 21 से 105 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है माइनस 5 अपॉन 21 से माइनस 168 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8. माइनस नीचे नहीं रहता है डिनोमिनेटर में, सो इसे मैंने यहाँ ऊपर न्यूमिरेटर में लिख दिया, सो माइनस 5 अपॉन 8, ये हमारा आंसर हो गया. अब इसका सेकेंड मेथड भी देख लीजिए. तो सेकेंड मेथड में पहले नंबर लिख लेते हैं, 105 अपॉन माइनस 168. इसे हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं विदाउट एलसीएम लेने. कैसे करेंगे समझ लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे 105 माइनस 168, अभी माइनस इग्नोर करते हैं,
सो ये हमारा 3 की टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से 105 को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3, 3 सर 9, 3 5 सर 15। नाउ 3 से 168 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 5 सर 15 एंड 3 6 सर 18, 35 अपॉन एंड ये माइनस माइनस 56। नाउ 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 8 सर 56 एंड ये माइनस का साइन। नाउ 7 5 सर 35, तो ये हमारा हो गया 5 अपॉन माइनस 8। नाउ माइनस नीचे नहीं होता है सो इसे हम लिख लेंगे माइनस 5 अपॉन 8 इज द आंसर। तो दोनों ही मेथड है, आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 6 इज इन अ कंपटीशन द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 20 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अब कह रहा है कि जितने भी सही आंसर होते हैं एवरी करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं। 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फ्रॉम एवरी इनकरेक्ट आंसर, और जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसके लिए 2 मार्क्स कट जाते हैं। एंड 0 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, और जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया गया है उसके लिए 0 मार्क्स। विशाल अटेम्प्टेड 17 क्वेश्चन एंड गॉट 11 करेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। यहाँ कहा जा रहा है कि विशाल 17 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, दैट मीन्स 17 क्वेश्चन का आंसर लिखता है, उस 17 क्वेश्चन में 11 करेक्ट है, तो उसे कितने स्कोर हुए, टोटल क्या मार्क्स मिले, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो लेंगे नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 20, पहले जो गिवन है क्वेश्चन में वो हमने यहाँ लिख लिया है। अवार्ड फॉर अ करेक्ट आंसर 5, डिडक्शन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर 2, मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन इज इक्वल टू 0, ही अटेम्प्टेड 17 क्वेश्चन एंड गॉट 11 करेक्ट आंसर, ये हमें गिवन है। तो 11 करेक्ट आंसर होते हैं, देयरफॉर इनकरेक्ट आंसर कितने हो गए, तो 17 में से 11 माइनस किया 6, दैट मीन 6 का आंसर वो गलत लिखता है। अब इन सब के लिए मार्क्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि 11 करेक्ट आंसर लिखता है वो, सो लिख लेंगे मार्क्स मार्क्स फॉर 11 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू, तो 11 करेक्ट लिखने के लिए उसे कितने मार्क्स मिलते हैं, तो देखिए एक करेक्ट आंसर लिखने पे 5 मार्क्स मिलते हैं, दैट तो 11 करेक्ट करने पे क्या मिलेंगे, 11 इंटू 5 हो जाएगा, सो ये हो गया 55 मार्क्स। क्लियर, 11 सही लिखता है तो 55 मार्क्स उसे मिलते हैं। नाउ 6 वो इनकरेक्ट लिखता है, इनकरेक्ट आंसर 6 है, सो लिख लेंगे मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू, तो एक इनकरेक्ट पे 2 मार्क्स कट जाते हैं, तो 6 इनकरेक्ट हो रहा है तो इस पर कितने मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए, तो यहाँ लिख लेंगे मार्क्स डिडक्शन लिख लीजिए, है ना, मार्क्स डिडक्टेड फॉर, ठीक है, डी ई डी यू सी टी ई डी डिडक्टेड एफ आर फॉर, मार्क्स डिडक्टेड फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स कट जाते हैं, तो ये हो गया 6 इंटू 1 के लिए 2 है, सो 6 इंटू 2 12 मार्क्स। क्लियर, एंड नॉट अटेम्प्टिंग के लिए तो 0 है, तो नॉट अटेम्प्टिंग कितने क्वेश्चन है, तो देखिए टोटल 20 क्वेश्चन है जिसमें से 17 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करता है, नॉट अटेम्प्टिंग नंबर 0, 20 माइनस 17 3 है, सो यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, ठीक है, नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन इज इक्वल टू, तो 3 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट नहीं करता है, सो 3 में 0 से इंटू कर देंगे, नॉट अटेम्प्टिंग के लिए 0 है, सो 3 इंटू 0 0 मार्क्स। नाउ टोटल क्या स्कोर हुआ, सो लिख लेंगे देयरफॉर हिज टोटल स्कोर इज इक्वल टू, टोटल स्कोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 55 मार्क्स मिलते हैं, तो इस 55 मार्क्स मिले एंड 12 मार्क्स उसके कट गए, दैट मीन्स 55 में हम 12 को माइनस कर देंगे तो ये हो गया 43 मार्क्स, तो उसे 43 मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 7 इज बरखा बॉट 20 होल 3 अपॉन 8 kg राइस एट द रेट ऑफ रुपीज 47 होल 1/2 पर kg, फाइंड द अमाउंट स्पेंट बाई हर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो बरखा है वो 20 होल 3 अपॉन 8 kg इतना राइस खरीदती है एंड 1 kg राइस का कॉस्ट आपको गिवन है 47 1/2, तो ये अमाउंट खरीदने के लिए वो कितना स्पेंड कर रही है ये हमें फाइंड करना है। तो क्लियर है 1 kg का कॉस्ट पर मीन्स 1 kg का कॉस्ट दिया है, इसका कॉस्ट निकालना है, दैट मीन्स दोनों को इंटू कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो लिख लेंगे वेट ऑफ राइस 20 होल 3/8 मिक्सड फ्रैक्शन में, इनसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो हो जाएगा 163/8 kg।
नाउ अमाउंट इज स्पेंट फॉर 1 kg राइस. 1 kg राइस का अमाउंट क्या है? ₹47/1/2. इसे भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके लिख लिया है ₹95/2. नाउ 1 kg का राइस हो गया. सो अमाउंट इज स्पेंट फॉर 163/8 kg राइस. 95/2 इंटू 163/8. यहाँ कोई भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है. सो 95 इंटू 163 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15,485/28 इज 16. अब 16 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाता है ₹967/13/16 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 8 इज विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर -5/5/9 और -5/7/12. इसमें कौन ग्रेटर है ये हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं. सो -5/5/9 तो 9 × 5 = 45, 45 + 5 = 50. सो ये हमारा हो गया -50/9 एंड दूसरा है 12 × 5 = 60, 60 + 7 = 67 यानी कि -67/12. अब इसमें छोटा बड़ा कौन है इसके लिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा इन दोनों का. सो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इस 9 को 12 से इंटू कर देंगे एंड 12 को 9 से इंटू कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा. एंड इस केस में हम क्या करते हैं, जो 9 को अब 12 से इंटू करेंगे यही 12 ऊपर भी इंटू होगा. ठीक है. सो फर्स्ट इसे ले लेते हैं -50/9 = तो ये हो गया -50/9 × 12 एंड यही 12 से ऊपर भी इंटू करना है. सो ये हो जाएगा -600/108. अब इसी तरीके से इस फ्रैक्शन को लिखेंगे -67/12 = तो ये हो गया -67/12 × अब यहाँ पे ऊपर नीचे 9 से इंटू करेंगे. नाउ देखिए 12 × 9 = 108. क्लियर. एल्स डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया. अब 67 × 9 तो ये हो जाता है -603. अब क्लियर है दोनों में कौन छोटा बड़ा है लिख लेंगे. सो -600/108 ये ग्रेटर हो गया. सो ग्रेटर देन -603/108. देयरफॉर बड़ा कौन सा है वो इधर लिख लेते हैं. तो -600/108 है -50/9 का. एंड ये -50/9 मीन्स -5/5/9 इसी का मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये. सो हम लिख लेंगे -5/5/9 ग्रेटर देन -5/7/12. ये हमारा आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन 9 इज सिमरन वॉक्स 1/5/12 km फ्रॉम अ प्लेस ए टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन फ्रॉम देयर शी वॉक्स 2/7/9 km टुवर्ड्स साउथ. वेयर विल बी शी नाउ फ्रॉम प्लेस ए. यहाँ कहा जा रहा है कि मान लीजिए प्लेस ए है, यहाँ पर सिमरन है, यहाँ से ये नॉर्थ की ओर पहले जा रही है. तो ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ की ओर जा रही है. तो कितना जा रही है? 1/5/12 km. 1/5/12 km ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है. तो जब नॉर्थ की ओर जा रही है तो ये हमारा पॉजिटिव साइन में होगा प्लस के साथ. इसके बाद कहा जा रहा है कि नॉर्थ जाती है, यहाँ चली गई, अब यहाँ से फिर वो वापस आती है साउथ की ओर. ठीक है. तो यह नॉर्थ गई फिर यहाँ से वो साउथ की ओर आ रही है. तो ये हमारा साउथ डायरेक्शन हो गया. तो साउथ की ओर कितना आ रही है? साउथ की ओर आ रही है वो 2/7/9 km. तो मान लीजिए यहाँ से वो साउथ की ओर इधर आई. ठीक है, यहाँ आई. तो यहाँ तक का ये डिस्टेंस हो गया 2/7/9 km साउथ की आ रही है. अब हमसे पूछा जा रहा है कि वो प्लेस ए से कहाँ है. वेयर विल बी शी नाउ फ्रॉम प्लेस ए. दैट मीन्स हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ इस प्लेस से यहाँ का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है. तो हम क्या करेंगे? अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिए, नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही है. तो दैट मीन्स ये जो 2/7/ ये आपका 9 km है, ये हमारा निगेटिव साइन में आ जाएगा. सो टोटल डिस्टेंस यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा. सो हम लिख लेंगे 1/5/12 km में ऐड करेंगे. तो ऐड क्या करेंगे, ये जो है 2/7/9 km ये माइनस साइन के साथ है तो इसे हम माइनस के साथ लेंगे. तो ये आपको ध्यान देना है, जब नॉर्थ से साउथ की ओर आते हैं तो ये निगेटिव में हो गया. सो कैसे करेंगे चलिए करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा. सो लिख लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स नॉर्थ 1/5/12, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया तो हो गया 17/12 km. ये आपका 12 लिखा है. ठीक है. नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स साउथ, अब साउथ की ओर है
तो 2 whole 7/9 किलोमीटर दिया है, इसे मिक्स इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो हो गया 25/9 किलोमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम साउथ की ओर दे रहा है तो साउथ की ओर आएगा तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, सो -25/9 किलोमीटर लिख सकते हैं। नाउ फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे, 17/12, ये तो हमारे प्लस साइन के साथ है प्लस, अब ये माइनस में है 25/9, सो यहाँ माइनस का भी साइन देना पड़ेगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो इसे हम लिख सकते हैं 17/12 प्लस इंटू माइनस -25/9। नाउ 12 एंड 9 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36 एंड यहाँ पे ये आ गया 17, 12, 3 जार 36, 3 × 17 = 51 माइनस एंड ये हो जाएगा 9, 4 जार 4 × 25 100। सो सॉल्व करने पे -49/36, 36 से हो गया। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 36 से 49 को, तो ये हो जाता है हमारा इज इक्वल टू पहले माइनस का साइन एंड 1 whole 13/36 किलोमीटर। सो ये हमारा आंसर हो गया, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, हेंस इट इज़ निगेटिव, इट मीन्स शी इज एट अ डिस्टेंस 1 whole 13/36 किलोमीटर, चाहे माइनस का साइन भी लेंगे डिस्टेंस, अच्छा निगेटिव यहाँ लिख दिया तो सीधा लिखेंगे 1 whole 13/36 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ऑफ प्लेस ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 10 इज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज 17.55 एंड वन ऑफ देम इज 2.7 देन फाइंड द अदर, हम लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है 17.55, वन ऑफ देम गिवन है, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वन नंबर इज इक्वल टू 2.7, देयरफॉर अदर नंबर हमें फाइंड करने हैं, सो अदर नंबर इज इक्वल टू, तो ये देखिए जब भी क्वेश्चन में आपको इस तरह से क्वेश्चन आए प्रोडक्ट ऑफ टू, जब प्रोडक्ट आए तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को आपस में डिवाइड कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपको सम लिखा होता तो हम माइनस करते हैं, माइनस अगर लिखा रहता है तो हम प्लस का काम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी। तो यहाँ लिख लेंगे हम 17.55 डिवाइडेड बाई 2.7, सो ये हमारा हो जाएगा 17.55/2.7। नाउ डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 17.55, देखिए नीचे में वन डिजिट है पॉइंट के बाद, सो 10 ऊपर आ जाएगा यानी कि 10 ऊपर हो गया एंड अपॉन में 27 ऊपर में पॉइंट के बाद टू डिजिट है, दैट मीन्स 100 नीचे हो जाएगा। नाउ 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब ये 27 से सीधा 17.55 को डिवाइड करेंगे तो ये 65 टाइम में डिवाइड हो जाता है। नाउ 5 से कर लेते हैं, 5 × 2 = 10, 5 से 65 13 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, सो ये हमारा हो गया 13/2। नाउ 2 से 13 को डिवाइड कर लेते हैं तो देखिए 2 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 × 6 = 12.5, सो 6.5 इज द आंसर। एंड इसी के साथ आपका मॉडल पेपर 1 हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।